हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर की थी, बहुत ही कॉमेडी वीडियो थी, एक फ़नी वीडियो थी। उससे मुतालिक मुझे कुछ एक जो कमेंट थे, वो मैंने कहा था ना कि देखिए, जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, कोई अपने विचार आपके साथ कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको आप लिमिटेड मत लेकर जाइए कि वो किसी पार्टिकुलर एक किसी एक शख्स के लिए कहा जा रहा है। नहीं भाई, ये दुनिया मैं और तुम से नहीं चलती, ये दुनिया हम से चलती है। एक बहुत बड़ा मुआशरा, एक बहुत बड़ा मुल्क है ये, और हम केवल मुल्क की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी दुनिया की ही बात करें तो किसी को भी अगर कोई भी बात बताई जा रही है, कही जा रही है, तो उसे अपने ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए कि ये मेरे लिए हो रही है बात, लेकिन फिर भी लोग अपने ऊपर ले जाते हैं। तो खैर, लास्ट वीडियो में जो बात की थी मैंने CBSE बोर्ड वर्सेज UP बोर्ड, स्टेट बोर्ड, और उसमें मैंने कहा भी था कि इसको बिल्कुल दिल पर मानने, क्योंकि ये कॉमेडी होती है। और RJ रौनक साहब ने जो उसमें बात कही थी कि जो हमेशा हम देखते हैं, जो फोटो आता है जब बच्चे टॉप करते हैं एग्जाम में, तो वो ज़्यादातर वो लड़कियों का ही विक्ट्री फोटो होता है और लड़कों का वो फोटो नहीं होता। तो उससे मुताबिक मुझे वो कमेंट मिला। तो बिल्कुल किसी को भी, किसी भी लड़की को, किसी लड़के को, किसी को अपने दिल पे लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि चीज़ों को सोचना चाहिए कि ये बात केवल उनके लिए नहीं कही गई है, वो एक बहुत ही बड़े नज़रिए में वो बात कही गई है। तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कॉमेडी को बिल्कुल कॉमेडी की तरह लें और सीरियस वीडियो को एकदम सीरियस लें। आज की वीडियो देख लेते हैं। खान सर सिग्मा रोल, इंडियन आर्मी सिग्मा रोल, IAS सिग्मा रोल, खान सर ठग लाइफ। ओके, सो खान सर से मुतालिक ये वीडियो है, आप देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हंसी ठाको की वीडियो, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। गुलू दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही है। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए, ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए, हम इस देश के हैं, देश के लिए। बहुत अच्छा, सलाम नमस्ते में कन्फ्यूज होने से अच्छा है जय हिंद कहिए ना। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में US में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर US एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना US एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। यही इंजीनियर ज्यादा सोचो तो इसको इंजीनियर क्या समझ में। हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग के ससुरा का बच्चा जो होता है ना, छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है, वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा वो। कुछ भी रहे हम गलत को गलत ही बोलते हैं, कितनों हाँ 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 करे गलत को गलत ही बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? CBI जांच नहीं बैठा था मई में हमारे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था। ऐसा हाँ 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 किया था सब, हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं, आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में, 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ, देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 लड़का नहीं हटा दिया सब तब का। ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला, और ये ससुरा है
दिल पिटाने वाला, ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है, और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझा गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये सही है। हम लॉटरी लग गया मेरे नंबर पे। अच्छा, लॉटरी लग गया, अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा किस करना चाहते? तो BSBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में? हाँ, नंबर लिखिए 99। आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना, तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, अरे भाई साहब, तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तुम्हारा कंपनी खरीद लेंगे तो हमारा लॉटरी दे रहा है। बाबू देखो, तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, ये दुनिया का रूल है। समझ में आ गया कि नहीं? आपको कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है। समझ में? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपया का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? ये तो है, श्रद्धा से लोगों का एक नजरिया होता है कि उम्मीद से इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। Never expect anything from anyone. Always respect your parents and teachers. Never be greedy. ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो GS पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता। हम GS के मास्टर हैं, हमला बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उससे जब पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर हुमायूं पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का द्वितीय। ससुर सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए, आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ यही किया था, और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था और पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना पुलिस स्टेशन। रुको जरा, सबर करो। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, दो चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन दो रोगा के दो लेकिन दो, उसी को कहते हैं दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान ना हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। दादी से कैसे बात करते, चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं, बेटा ऐसे बात नहीं करते। फिर इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले, अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा, अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा, गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा एनकाउंटर। चाइनीज बार बार गलती करते थे, तब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया, क्या किया वहाँ पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रखना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं, इधर बाबूजी तो रहे यहाँ पे धुन देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जा वापस जा। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहाँ के लोगों में एजुकेशन नहीं है, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है,
उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है, इतिहास क्या पढ़ाएगा। 14 अगस्त 1947 अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं। अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा, भारत का वो चले पढ़ाएंगे नहीं, कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे हा? और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी को खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैं सुझा, राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं। जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए। ले इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की आए किसी को नहीं बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का इसे करते थे, फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। चार जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था, अभी नया नया पांचवा परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और ये बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000-50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है, हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था हमारे यहाँ, एक तो इसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पता होगा। हाँ, खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरमानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। बहुत अच्छा वीडियो था, कॉमेडी से भरपूर वीडियो था, उनके जो खान सर के जो उनके डायलॉग्स होते हैं, ओ हो जो बात कहते हैं, मतलब व्यंग में बहुत ही सीरियस बात को वो इस तरह से कह देते हैं कि हंसी भी आती है और सुनकर लगता है कि मतलब हाँ ये बात तो है। जैसे अगर मैं सीरियस बात को ही लूँ तो उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल मत लूटिए और किसी को भी मत लूटिए। मैं तो कहूँगी कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इसके अकाउंट से एकदम, ये इस तरह का फ्रॉड बहुत चल रहा है। देखिए खान सर को लॉटरी का पैसा आ जाएगा, उनको डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया, उनको नहीं पता कि वो खान सर को फ़ोन लग गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो इससे तो खैर सावधान रहें आप। बाकी जो इसमें खान सर और मेजर गौरव आर्या सर ने जो मतलब हमने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है भारत को लेकर, बहुत ज़्यादा ऊंपटांग चीज़ें ये लोग बोल रहे होते हैं, मोदी चाय वाला, मतलब ये अगर यही बात हम पलट के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल दें तो पाकिस्तानी आकर ऊंपटांग कमेंट लिखते हैं और इतनी गलत चीज़ें लिख कर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही बंदा पीछा ले लेगा तो वही कमेंट लिखता रहेगा हर वीडियो पर जा जाके इस तरह से भैया लिख रहे होते हैं कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इन्हें है। और वहीं आप देखिए खान सर, मेजर गौरव आर्या सर जो पाकिस्तान की जब जवाब देते हैं ना पाकिस्तान को, तो सोचते होंगे ये पाकिस्तानी भी कि किन से पाला पड़ा है। बहुत अच्छा कहा कि चार परीक्षण केंद्र तो हमारे यहाँ हो गए हैं, अगला परीक्षण केंद्र जो है जिसमें हम ब्रह्मोस का परीक्षण किया है वो पाकिस्तान में हो सकता है। और वो भी उन्होंने सही कहा मेजर गौरव आर्या सर ने कि अब्बू से बात करने की तमीज होनी चाहिए। तो खैर बहुत अच्छा वीडियो था, कॉमेडी से भरपूर वीडियो था। इसमें जो भी बातें हम देख रहे थे खान सर की जो इसमें जो पॉइंट अपने कह रहे थे वो काफ़ी मजाकिया अंदाज में, बहुत ही मजाकिया लहजे में, और उनका हमेशा से ये स्टाइल रहता है कि मजाक मजाक में पढ़ा देते हैं और पढ़ाते पढ़ाते मजाक कर देते हैं। तो
चीज़ों को समझाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, आप हंसते मुस्कुराते चीज़ों समझ जाते हैं। और हमने इसमें देखा कि जो इसमें कहते हैं ना कि ठग लाइफ, तो जब आप ज़िंदगी में बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद कोई लक्ष्य हासिल करते हैं अपना, तो वो उस तरह से कहने लगते हैं उस चीज़ को ठग लाइफ, उस व्यक्ति के जीवन को। दूसरा, इसमें जो सिग्मा रूल की बात कर रहे थे, इसमें टाइटल में आपने देखा होगा, तो ये एक प्रकार का एक एटीट्यूड होता है जो एक खास शख्सियत में जो झलकता है, तो उसको हम सिग्मा रूल से कहते हैं कि वो एक एटीट्यूड है वो जो हम खान सर में देखते हैं। तो खैर, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो होती है ना, तो मतलब देखते देखते इतनी हंसी आने लगती है, मुझे इस तरह के कमेंट मिलते हैं। थैंक यू आपके प्यारे कमेंट के लिए, जिन्होंने भी ये वीडियो रिकमेंड किया था, बहुत अच्छा वीडियो था। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कॉमेडी को सिर्फ कॉमेडी की तरह लें, वरना आपको आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत आने वाली है कि जब आप हंसी मजाक में और किसी भी सीरियस बात में अंतर ना करते हुए हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेने लगेंगे कि ये मेरे बारे में ही कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो उस किसी भी चीज़ को लेकर एक सीमित नज़रिया नहीं होना चाहिए। तो खैर, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना, और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।